पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए नूली की कयादत ने सर जोड़ लिए। मियां नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग दी, आइंदा के लायहा अमल पर भी बातचीत की। 25 रुकनी काबीना की तश्कील का इम्कान, 15 लीगी रहनुमा होंगे। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें देने पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की दावत देगी। एक बार फिर आसिफ अली जरदारी से काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त की जाएगी। JUI से भी राबता करके उन्हें काबीना में शमूलियत की दावत दी जाएगी। तो हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कमेटी का पहला इजलास हुआ। जल्द से जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करने पर इत्तेफाक कर लिया। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में क़यादत हतमी फैसला करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के मुशावरती इजलास में शुरका ने मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। शुरका ने करार दिया कि मुआशी, सियासी, अमनो अमान और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का हल मिलकर निकालना होगा। ऐसे फैसले करने होंगे जिससे अवाम को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाया जा सके। नून लीग और पीपी नुमाइंदों ने कल एक और बैठक बुलाने पर इत्तफाक किया। कल के इजलास में नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। हम ख्याल जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज हुकूमत के लिए शराकत इक्तदार का फॉर्मूला है क्या? समा ने खोज लगा ली। मुस्लिम लीग नून ने वाजे गारंटी के बाद विफाकी हुकूमत लेने की हामी भरी। पीपल्स पार्टी सदारत का ओहदा लेने के बाद वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद नहीं लाएगी। 5 साल मुद्दत पूरी करने में मदद दी जाएगी। नून लीग पंजाब में इत्तेहादियों को एडजस्ट करेगी। बदले में पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान में भरपूर ताबुन दिया जाएगा। मुफाहमती फार्मूले में मौशी चार्टर करने का भी उसूली फैसला किया गया। और नवाज शरीफ का वजीर आजम ना बनने का मतलब सियासत से किनाराकशी नहीं। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की एक्स पर पोस्ट, कहा, साबिक वजीर आजम 5 साल विफाकी और सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती करके भरपूर सियासत करेंगे। नवाज शरीफ ने इंतखाबी तकारीर में मखलूत हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा था। मैं और शहबाज शरीफ लीगी कायद के सिपाही और हुक्म के पाबंद हैं। नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे।